नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे वांचो कम्युनिटी में कम से कम 100 से भी ज़्यादा बस्ती होंगे, और इनमें से हम पिछले वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने कि हम यहाँ हेकोतरो में 16 फरवरी को फेस्टिवल किस तरह से मनाया गया आपने देखा होगा। इसके बाद फिर हर एक गाँव पर अलग अलग समय पर फेस्टिवल मनाया जाता है, और फेस्टिवल। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं नोखन। अभी मैं यहाँ आया हुआ हूँ नोखन विलेज, और ये है नोखन विलेज का जो चीफ है, ये है राजा साहब का घर, नोखन राजा का घर है। अभी हम यहाँ जाएंगे। तो इस वक्त हम यहाँ पे हैं नोखन विलेज, जो राजा साहब के घर में है। तो इन लोग का फेस्टिवल जो है आज से स्टार्ट है, और देखते हैं अभी क्या क्या किस तरह से इन लोग का फेस्टिवल होता है। आगे देखेंगे, जितना सकेगा मैं कैप्चर करूँगा। और यहाँ आया हुआ है कॉम्बो और गन्ना भी आया हुआ है फेस्टिवल के लिए। सुबह आया था, बताऊंगे मैं। सो अभी इस वक्त राजा साहब के घर में बहुत से लोग अभी जमा हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और इन सभी से कुछ सवाल पूछेंगे हम। तो आज का नोखन ओरिया फेस्टिवल से लेकर कुछ सवाल पूछेंगे एक भैया से। अचोंग अनी के हरम नोखन ओरे अनि तो खा अभी रे तो टेम्पांग रे मोला डिटेल में नाई मोला सवन फाइव में तमा यो अभी ये लोग आए हैं, डांस ग्रुप है या फिर कौन से ग्रुप है? ये लोग जो अभी बैठे हुए हैं, जो अभी भी जस्ट यहाँ पहुँचे, ये जवान लड़का लोग ग्रुप लोग जो आए हैं अभी, या अथा तंग के बुआ तेम ये बुआ सोनथम या तेम चंपू या कौन से ग्रुप है ये? जनसंपर्क तो तमिल था नहीं? या अनुरिया को ले
농마일에 마니마호암도 로방종방바암도 마랑샤당 아함자 이게 번 나우섬부 이게 가마니 미비 고마마 번 나우선 오나심상 모이래 되네 중국바에 방가발람마 장고아 무무이강안도로주 남포수 부바만 이렇게 तो हर साल इसी तरह आते हैं रंगफो ले ले वापे रहते हम रंगफो रंग रिंग बामरंग नामायंग अवन तो अवन ना अवांग अंग माको इन ना लोंग ले कुम बांग नू सावे ले राम सेक पताई पु जो थैंक यू तो आपका पास फिर से लौट आऊंगा इससे पहले मैं उन लोगों से थोड़ा सा एक दो सवाल पूछना चाहेंगे तो भाई लोग क्या क्या लेकर के आए आप आज रुको हाँ पहले तो मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या लाया है ये क्या है आपका हाथ में मेरा हाथ में अभी तेमचंग कह जाए वैसे तो पान है चूना है चूना है तामुल है तामुल। और साली बोलते हैं हम लोग साली सम वो साली भी है तो मेरे हाथ में मतलब जो हम लोग का रेस्पेक्ट जो हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं उसको देने वाला हर चीज़ है इसमें अच्छा अच्छा मतलब ये एक बंडल में पान है तामुल है और उसके बाद सादा है तो उसको हम लोग रेस्पेक्ट के तौर पर आप दिया जाता है इसको जैसे कि घर में कोई मेहमान आने से हम लोग कुछ चाय पानी देता है इसी तरह से उसी तरह देता है बिहू के समय में यानी कि फेस्टिवल का वक्त जो है अपना चीप का घर में जाता है इस तरह से आते हैं या अपना ससुर घर में जैसे इस तरह से जाते हैं जब तो मतलब, आप लोग हम लोग का हर साल फेस्टिवल जब भी होता है तो हम लोग का ससुर का घर में हमेशा जाते हैं और राजा लोग का घर में तो हमेशा हम लोग जाता ही है तो उसी टाइप का हम लोग का ये है आज उसी का जो कानून है हम लोग का दादा दादी का समय से जो कानून चल रहा है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं अच्छा तो ये सब साली यानी कि तामुल पान जो अपना ससुर जो अपना राजा घर में जब जाते हैं इसी तरह से देना क्या आपको अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग का नियम ही है ठीक है थैंक यू तो जैसा यहाँ पे इन्होंने बताया है यहाँ पे जो है साली कहते हैं हम जो एक जंगली पेड़ का एक चमड़ी होती है और तामुल पान चूना के साथ कुछ तामुल पान दिया जाता है अपना ससुर घर जाने से और राजा घर में जब इस तरह से ग्रुप में जब जवान लड़के लोग आते हैं और ये सब दिया जाता है इस तरह से ही ये लोग जो भी जवान बंदा के जो ग्रुप लोग आते हैं जब तो सीनियर सिटीजन लोगों को तामुल का तुबला देते हैं तो फिर से लौटेंगे आचोंग के पास जो थोड़ी पहले अपना ये फेस्टिवल को लेकर के कुछ बता रहे थे तो आचोंग आनी के और यहाँ पर चाले जो नंगे अमी का के चक्तो में डिटेल मोले बन है अमी के दिन तो अभी नहीं रह रहा है पहले के जमाना में कितना दिन आप और फेस्टिवल मनाता था और आजकल कितना दिन मना रहा है आप ये मैं अमी अपुआ पा बांग जा असोई वाकलो लबांगो ये फिर मा वाखा सानी वाकोंग लबांगो फिर मा रियानु लबांगो रियासा लबांगो वन ताव लबांगो वन रुआपो लबांगो ये गा 5 डेज
ตัวเมียอย่าฟังจริงตัวอย่าตัดมือจะจ้าวันเลยยันนิ่งแล้วก็เมียตะวันตัววันหนักว่างังคือมีหนักแต่ยังบอกเมียตะลังกว่าลำดูเมียจะจ้าอยู่ละวันแต่กูกูไปฟังจ้าอามีก็นิ่งเลยฟังนึกถึงจับจะจริงสกปรกอยู่อลักกระทับชาหมดละถ่ายได้ถ่ายเลยไปได้เอาก็อยู่กับเมียอะไรจริงแล้วไปแต่กูโต ยี่สิบตับก็ยังนกพันไก่เอกชาตาบัสตีเหรอผมนกพันก็ว่างมาอยู่ต้องกว่ามาอยู่ไอ้เราต้องกว่าอยู่ปุ๊บยี่เพิ่มมาลองข้อยันลองข้อยันมาชื่อทิ้งหะเลยไปงอนะยี่เพิ่มมาอัลลัมรีมาชื่อทิ้งให้หายเลยไปผมชื่อไตเลยยี่เพิ่มชื่อยาแล้วตาริมหยักสมะนกรันมาผมชื่อทิ้งให้หายเลยไปไตเลยแล้วก็ไปชื่อผมมายันนิ่งกาขัดทอมบนล้อม तो आप लोग का जो फेस्टिवल में डांस कब से शुरू होता है, किस तरह का डांस होता है फेस्टिवल डांस, उसमें आप ढोल बजाता है सामहंग राज्य में हर में सोन कर सामहंग सोन पे या खान सोन है रंगना सोन पे रंगा सोन वो मैं अंगी वक्खा सा अंगी खांग है तीन बाजी खांग है वो मैं सोन इस तरह हूँ ते पु वो मैं यंग खांग हो वांग वांग जा नी रम वन रम बामा को मैं अरिंग सामनु जे डाल लो भाई बूम बूम सोन ते पु जेजिप जेपम ने कंटिन्यू सोन है रंगवान रुआ नी ते रंगवान रुआ का पैदम ले थाम जू डांग पु सोन जू डांग पु वो मैं रंगवान रुआ गांग खांग अति नाम है अपन पु रम वन रम से हम लू नंग अरु बाबू जो मांग में मैं सा हम लम लू ले ओके तो बात कितने ले वो हम हम रंग मार लो भाई अपुए रंग ले वन रम नी रम या तो पु ये नोक पन तिंग रम रा या रंग लम री कोतों कोते चु हल्ला भाई तंबे नी तंबे तंबे तो जो भाई हल्ला भाई या ले रंगवान रो पु मने रंगवान ले के मैं और के मन में रंगवान कर रहे थे था तो जैसा बताया गया है यहाँ ये लोग आज रात से तीन दिन तीन रात तक कंटिन्यू ये लोग डांस करेंगे भी फेस्टिवल गान गाते हुए डांस करते हैं सारा दिन रात नहीं सो के ढोल बजाते हुए सारे जिंदगी गांव के लोग जो है साथ में ओरिया फेस्टिवल मनाते हैं इसके बाद रंगवान बोलते हैं रंगवान रंग करते हैं जो हम लोग का लास्ट समय पे हम लोग ये नियम किया जाता है सो जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ का नोकपन का जो चीफ है आपका नाम सर तोवंग तो ये है तोवंग वांगसु वांगसुपा जो नोकपन विलेज का चीफ है इनका पिताजी भी है अभी लेकिन काफ़ी बुजुर्ग और थोड़ा बीमार के कारण सारा विलेज इन तोवंग चलाते हैं अभी इनका अंदर में अभी कौन कौन सा गाँव आपका अंदर में सर अभी नक्कन के अंदर में अभी पासी मेरा अंदर में पासी बस्ती है जैसे पंखुआ है लंखाहम है उसके बाद मेरा लमरी है नक्कन है उसके बाद में अभी फिलहाल नया न्यूली जो बस्ती जो नया बस्ती है अभी रिस्तारी मुल्क एक बस्ती है वो नया है तो उसको काउंट निकाल उनका पास मेरा अंदर में पास बस्ती है तो सर थोड़ा सा आपका ये ओरे फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बता दीजिए वैसे तो वो भैया ने बता दिया फिर भी आप लाइटली थोड़ा बता दीजिए आपका जो फेस्टिवल का बारे में
जैसे हम लोग का नकफन में जैसे फेस्टिवल मनाया जाता है तो मार्च 15 हम लोग का यूजली मार्च 15 को ही फिक्स करके रखा हुआ है। उसमें हम लोग का एग्जैक्ट मतलब मार्च 15 जो होगा वो के तो नहीं है, उसमें कुछ आजकल का ये कुछ आजकल के डेट में ये क्रिश्चियनिटी का जमाना है तो हम लोग का क्रिश्चियनिटी की वजह से या कुछ फीस आता है तो हम लोग उसमें चेंजेस भी रख देते हैं। तो इस साल तो हम लोग ये 2022 में हम लोग तो सही मैंने वही डेट में हम लोग 15 को ही शुरू किए। तो जैसे अभी पहले जैसे मेरा भैया ने बोला है वैसे 5 डेज का फेस्टिवल होता है, उसमें हम लोग का जितने भी यहाँ का है जितने भी हम लोग का मेरा यहाँ का बस्ती का अपुआ पालुक जैसे मना कर मिला है मेरा समय में उसको हम टेकअप करने के लिए हम भी जारी है। तो अभी ये बोलने से हम लोग का वही है कि हम लोग का बस्ती में हम लोग का बस्ती और ओटंखुआ में थोड़ा सा ये है कि मेरा अंदर में जो ओटंखुआ और आलमरी और लंखोजान है वो लोग थोड़ा एक दिन को वो लोग का वनपाऊ होता है जैसे कि रंग वनपाऊ। तो अभी नकफन में होगा कि अभी फाइव डेज तो कंपलसरी मैंने होगा तो वो 19 को ही मैंने हम लोग फेस्टिवल एंडिंग होगा। तो गया कल से हम लोग को शुरू हुआ था 15 से तो आज 16 है। तो आज को जैसे कि भैया ने बताया वक्खा सा बोलते हैं हम लोग खावा सा बोलते हैं। तो आज से मैंने आज शाम से हम लोग का डांस ग्रुप डांस जो शुरू होगा। तो थैंक यू सर, आपने जितना आपका फेस्टिवल के बारे में डिटेल आपने बताया उसके लिए थैंक यू। सो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वंचो में कम से कम 100 से भी ज़्यादातर गाँव हैं जो 16 फरवरी से हमारे वंचो एरिया में वंचो ओरे फेस्टिवल होता है। और इसके बाद हर एक गाँव पर अलग अलग समय पर हम लोग वंचो ओरे फेस्टिवल मनाते हैं। उससे रिलेटेड हम यहाँ पे मौजूद है अभी वंचो कल्चरल सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट, उससे थोड़ा सा सवाल पूछेंगे क्योंकि कोई कोई गांव में जो है रंगवान का नाम में रंगवान लगाता है और कोई कोई गांव में नहीं लगाता है, सिर्फ रंगवान के नाम पे रंगवान पर करता है, इस तरह से करते हैं कोई कोई। तो सारा चीज़ें जो है वंचो कल्चरल सोसाइटी के अंदर में वो लोग क्या क्या पास कर रखा है इसे थोड़ा सा जानेंगे। तो अभी हम पूछेंगे वंचो कल्चर सोसाइटी का जो वाइस प्रेसिडेंट जी अभी यहाँ मौजूद है तो डिटेल में थोड़ा सा आप सर बताइए। अच्छा, रंगवान के बारे में हमारा लोकल डिस्ट्रिक्ट में रंगवान अपना अपना तौर तरीका पे तौर तरीका से माना जाता है। जैसे कि पंचायत सर्कल में रंगवान अपना होता है, कुमाऊँ सर्कल में अपना रंगवान होता है और हमारा लोअर वंचो में जैसे कि लोंगडी से लेकर कानीगंज तक अपना रंगवान होता है। तो हम लोग मिला जुला के वंचो कल्चर सोसाइटी ने एक रंगवान ही को ही माना गया है जैसा कि यूनिफॉर्मिटी को लेके रंगवान एक होना चाहिए करके माना गया है सारा लोंगडी डिस्ट्रिक्ट में सर। या अभी तक तो ठीक है, कोई कोई अपना अपना हेडक्वार्टर में अपना अपना रंगवान फहराता है लेकिन हम अपना यूनिफॉर्मिटी के लिए वंचो कल्चर सोसाइटी एक रंगवान को डिक्लेयर किया है। जैसे कि एक रंगवान में 7 हाथ होता है, वो 7 हाथ ऐसा है कि जैसे कि रंगवान में एक नंबर है हमारा वंचो रिचुअल के हिसाब से हिखा है नंबर 1 में, हिखा को पार कोई भी नहीं करेगा। नंबर 2 में है सानू, नंबर 3 में है तो, और नंबर 4 में है जाम्पा, और नंबर 4 में है 5 में है पनखन, नंबर 5 में है नम हो गया और फेसा हो गया। वैसे ही 7 ब्रांचेस होना है क्योंकि ये 7 हमारा सबसे मजबूरी सबसे जरूरी हमारा कल्टीवेशन में उगाया जाता है। वही 7 कल्टीवेशन का वो उसको लेके हम रंगवान को मनाते हैं। 7 फेरों का रंगवान, 7 हाथों का रंगवान, 7 ब्रांचेस लेके ही हम रंगवान को इम्पोर्टेंस देते हैं। जी जी। अच्छा, रंगवान का मतलब वही है
लेकिन कोई कोई जो है अभी जैसे कि अलग अलग गांव पे कोई कोई रंगवान के नाम से अपने मन मर्जी फ्लैग लगाता है, रंगवान का ही करता है, ये सब सही है या गलत हो सर? इसमें देखिए, इसमें रंगवान को लेके कोई गलत या सही नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अपना अपना जिला का, अपना अपना ब्लॉक का, अपना अपना एरिया का बात होता है। वैसे कि पंचायत में अपना जंगवान होता है, तो उन लोगों का जंगवान का मुताबिक अपना जो रीति रिवाज है, अपना जो सिस्टम है, वो सही हो सकता है। और जो कि पमाव सर्कल में जो रंगवान है, उन लोगों का सिस्टम के हिसाब से उन लोगों का भी रंगवान सही हो सकता है। लेकिन जब तक हमारा लोअर वंचो बेल का हिसाब मैं कर रहा हूँ, वो रंगवान जो मैं बताया गया 7 ब्रांचेस जो इम्पोर्टेंट है हमारा खेती में जो उगाया जाता है, वही सही है और वही मान्यता रखना चाहिए। हम लोग का कोई कोई जो वंचो अलग अलग गांव पे जो है फेस्टिवल के समय पे जो फ्लैग होस्टिंग करते हैं, उसमें ये लिखा जाता है सेरन में है ऐसे करके कुछ, उसको सही है या नहीं गलत है जो फ्लैग होस्टिंग करना, जैसे कि कोई कोई गांव में किया जाता है, कोई कोई गांव में नहीं करते ये सब? देखिए, फ्लैग वन और या फ्लैग होस्टिंग का मामले में लेकर मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे और या फ्लैग हमारा नहीं है और वांचो फ्लैग भी नहीं है, लेकिन वांचो एंथम है, अभी भी है और वो जिंदा रहेगा और जिंदा है। लेकिन ओरिया फ्लैग पहले से 1978 से या 1985 से फर्स्ट ओरिया फेस्टिवल मनाया गया था कानूबारी में, उसके बाद से लोंगडिंग में गया, पोंचा में गया, वक्का में गया, कहीं कहीं, तो अपना अपना स्टाइल से, अपना अपना इरादा में, अपना अपना वो स्टाइल में लेके अपने अपना ओरिया फ्लैग बनाया था। कोई पा को लेके, कोई दाव को लेके, कोई चादम खोसम चादम खोम के ऊपर में वो कोई लेके, तो वही अपने अपने स्टाइल में बनाया था, लेकिन ये चला नहीं। तो हम लोगों ने बात किया कि जब तक कंसेंसस होल वांचो कंसेंसस मीटिंग नहीं होगा, तब तक सेदन महे एक ही फ्लैग फहराया जाएगा, वो बात था। तो 9 अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने एक मीटिंग बैठाया, वांचो कल्चर सोसाइटी ने बुलाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वांचो काउंसिल। तो उसमें यही मीटिंग फैसला हुआ कि अब से वो सेदन महे का फ्लैग होस्टिंग नहीं होगा जब तक कि होल वांचो कंसेंसस में मीटिंग करके एक वांचो फ्लैग फैसला नहीं होगा, तब तक सेदन महे का फ्लैग नहीं होगा, फेरा नहीं है गया। इसलिए पिछला साल में, इस साल 2022 में सेदन महे का फ्लैग ऐसे वांचो ओरिया फ्लैग हम लोग फेरा नहीं फहराया। वही है, जब तक फैसला नहीं होगा वो वांचो फ्लैग अभी नहीं फहराएगा, वो सेदन महे का फ्लैग हम लोग अभी नहीं फहरा। क्यों सर, आपने डिटेल में बताया है ये वांचो फ्लैग सेरन में है करके सिंबल लिख करके जो फहराया जाता था कोई कोई अलग अलग गांव पे, जो इसके बारे में आपने डिटेल में अभी जो बताया है, शायद जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं सब लोग समझ गए होंगे सर का जो डिटेल में उन्होंने बताया हम लोगों का जो फ्लैग के बारे में, हम लोग का जो रंगवान के बारे में। तो जितना भी मेरे वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, आप सभी से बता दूं कि मैं जितना भी यहाँ का ओरिया फेस्टिवल जो चल रहा है नकफन का, जितना भी जानकारी था बुजुर्ग लोगों ने बताया और यहाँ का राजा ने बताया कि किस तरह से फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे। सो थोड़ी पहले हम मिले थे पन के जो जितने भी ग्रुप जवान जवान लड़के ग्रुप जो आए थे यहाँ पे वांका घर में, जिस तरह से अपना राजा घर में और जैसे अपना ससुर घर में जाते हैं और साली फन करते हैं, यानी कि तामुल जो तुबला रेस्पेक्ट के तौर पे वो फेस्टिवल के समय पे स्पेशली वो दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे अभी जाने के लिए अभी तैयारी है, वांग का जो नवसम है, वांग का जो जितना भी ग्रुप है यहाँ पे अभी मौजूद है,
जो अभी पन का घर में जा रहे हैं, यानी कि उसका सोसो जैसा सोसो जितना भी सोसो जात का वो उसका घर में वो लोग जाएंगे अभी। और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं लोग अभी जाने के लिए, क्या क्या वहाँ ले जा रहे हैं, क्या क्या देने वाले हैं, थोड़ा सा सवाल पूछेंगे इन लोगों से। तो भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम दिनों वांसु है। दिनों वांसु नहीं है? तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने वाला है? अभी हम लोग ये हम लोग का बोला जाए तो ससुर लोग के घर में जा रहे हैं, जैसे कि बंकर लोग होते हैं पहले। अभी हम लोग का वांसु है, अभी वांसु लड़का लोग अभी यहाँ में जमा हो रहे हैं, तो हम लोग अभी बंकर के घर में जाएगा। अच्छा, हमें हम लोग पंचों में बोलते हैं मोना हो गए, एक साली है, पान है, पुल्लू बोलने वाला तमिल तुपला दिखा दो थोड़ा सा। ये सब लेके मैंने हम लोग अभी अंकन के घर में जाके देखे, एक एक का घर में घुस के देखे आएगा। यह करके तो स्टार्टिंग था हम लोग का फेस्टिवल जो हो गया, जो तो आज सेकेंड डे है, तो आज का दिन में शाम को इसी समय में हम लोग घूमा जाते हैं हर साल। तो अभी हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं, अभी वही देखे आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको करने में अच्छा लगता है, खुशियाँ होता है? खुशियाँ भी होता है, अच्छा भी होता है। और ये है कि मेन तो हम लोग पहले का ही नियम जो पालन कर रहे हैं बोला जाए तो, जैसे कि हम लोग का बुरा बुरी लोग का नियम जो है वही फॉलो करके आ रहे हैं अभी तक हम लोग, तो इसके लिए ये सब चीज एक्चुअली कहा जाए तो ये सब चेक रेस्पेक्ट किया जाता है ना, रेस्पेक्ट के तौर पे दिया जाता है। तो ससुर लोग का घर होते हैं, वो लोग का रेस्पेक्ट एक नियम होता है, रेस्पेक्ट का हम लोग बच्चों में, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा चीज है। तो अगर इस चीज को अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो ये तो हमारा बीच में प्यार भी बढ़ते रहेगा, तो बहुत अच्छा चीज है। तो आपका नाम बताओ भाई, क्या नाम है आपका? राहुल वंशु। आपका? नकाय वंशु। नकाय वंशु। राम वंशु। राम वंशु। वंशु। आपका बताओ? अनुराग वंशु। राम वंशु। अच्छा, आपका? राम वंशु। आपका नाम बताओ? सुमन वंशु। सुमन वंशु। इतना धीरे आवाज़ आप लोग का, अभी ससुर घर जा रहा है, थोड़ा जोर से हिम्मत से जाना है। तो ये रहा साली, जो एक जंगली पेड़ की चमड़ी होती है ये, और ये जो तुबला में है पान का जो पत्ते, और यहाँ पे ये लोग तैयारी करके ले जा रहे हैं रेडी में। तो ये जो अभी जहाँ जाएंगे ये लोग एक एक करके वो लोग बांटते जाएगा वहाँ पे जहाँ वो लोग जा रहा है। तो थैंक यू आप लोगों का, बाय बाय करो, चलो अच्छा से जाइए। सो ये जो है नकफन विलेज, वही है मेन रोड से, और भी ऊपर में और भी बहुत सारे घर है। उसके बाद ही जाएगा गांव के आधा हिस्सा घर ऊपर तरफ है, आधा नीचे तरफ। और हमारा लवनू बेल में लवनू ब्लॉक पे सबसे ऊंची पहाड़ यही है, जो थोड़ी सी नीचे से हम यहाँ आए थे और पूरा सांस फूल गया। Oh, my God.